मेरा नाम कंचन सेंद्रे है और मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ। पहले तो स्वास्थ्य विभाग में काउंसलर के पद पे पदस्थ थी, उसके बाद में मैं यहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर है हरिभूमि करके, उसमें मैं एज ए रिपोर्टर काम करती थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा थर्ड जेंडर को 2% रिजर्वेशन के हिसाब से प्रधानमंत्री आवास प्रोवाइड करने वाले थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन ने हमारे काम को देखते हुए मुझे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का सदस्य बनाया 2015 पे, और अभी वर्तमान में मैं एक ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टर के तौर पे कार्य कर रही हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे साथ कंचन जी हैं जो दुर्ग जिले से हैं, छत्तीसगढ़ से, और ये ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण और अच्छा एक संदेश दे रही हैं कि उन जैसे जो और भी ट्रांसजेंडर है आगे आकर के उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और उन जैसा कुछ कर सकते हैं। तो इनसे लोगों की हिम्मत और हौसला मिल रहा है, और इन्होंने जो कोरोना टाइम पे काम किया था, वैक्सीन लगवाई थी, तो वैक्सीन दीदी नाम के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। फैमिली तो शुरुआत में जब मैं घर से बाहर निकली थी, उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस ना होने के कारण पे वो भी मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन अभी जिस पोजीशन पे मैं हूँ और मैंने जो एक धारणा उनकी थी कि अगर ये किन्नर बनती है या बनता है तो ये सिर्फ इच्छावृत्ति ही करेगा या करेगी, लेकिन उनकी सोच को बदलते हुए मैंने एक बेहतर काम किया। और जैसे सामान्य लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं मेहनत से, उसी तरीके से मैंने अपने मेहनत से अपने पैरों पे खड़े हुई, तो आज मेरे घर वालों को गर्व है मुझ पर और वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं। कि अगर हम एक स्त्री और एक पुरुष की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए समाज है, कानून है, परिवार है, लेकिन ट्रांसजेंडर के साथ भी ये सब होने के बावजूद भी नहीं है, क्योंकि संविधान में ट्रांसजेंडर को वो दर्जा ही नहीं दिया है कि वो बाकी चीज़ों पे आगे बढ़े। और रहा सवाल समाज की बात है, तो समाज तो हमें इंसान ही नहीं समझता, जो पेरेंट्स हमें पैदा करते हैं वो भी समाज के दबाव के चलते वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हमारी सोच को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और उसके चलते हमें ना चाहते हुए भी अपना घर और परिवार छोड़ना पड़ता है। छत्तीसगढ़ ट्रांसजेंडर को लेकर के कहा जाता है कि यहाँ के की सरकार जो है काफी मान्यता दे रही है और रोल मॉडल माना जाता है पूरे देश में, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ट्रांसजेंडर के एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करते हैं और समाज, छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो इस समाज को एक्सेप्ट करता, तो आपको जो ट्रांसजेंडर है वो आसानी से ट्रेनों पे भीख मांगते नहीं दिखते या सिग्नलों पे भीख मांगते नहीं दिखते। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार के कहने और करने में काफी अंतर है। आज भी ट्रांसजेंडर जो लोग हैं वो किराए पे रहते हैं और डबल रेट पे रहते हैं, जैसा आपको अगर कोई 5,000 पे किराए पे देगा तो हमें 10,000 देना पड़ेगा। तो सरकार पुलिस भर्ती के अलावा बाकी चीजों पे आप दिखा दीजिए कि कहाँ पे ट्रांसजेंडर है। आप देखेंगे तो कॉलेज में भी ट्रांसजेंडर जो है वो नहीं है, ना ही स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर है, ना ही आपके कोई सरकारी विभाग पे कोई ट्रांसजेंडर काम कर रहा है। तो कई बार लोगों ने मुझे ये बताया कि सिर्फ महिलाओं को रेप और छेड़छाड़ का डर नहीं होता है, हमें भी खतरा होता है, तो लेकिन बस हम ये बोल नहीं सकते हैं, रिपोर्ट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि लोग और ये पुलिस हमें यही कह देगी आपका तो काम ही आप झूठ बोल रहे हो, तो क्या ऐसा है? कई बार ऐसा होता है कि जब वो फील्ड पे रहते हैं तो लोग उन्हें उठा के ले जाते हैं, एक हैं करके चार लोग उनके साथ रेप करते हैं। कई बार ट्रांसजेंडर के पास में शादी की व्यवस्था ना होने के कारण भी उनके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण करते हैं और चले जाते हैं। उनको लगता है कि ट्रांसजेंडर का कौन रेप करेगा, ट्रांसजेंडर तो वैसे ही बहुत ताकतवर होते हैं, तो ये धारणा बहुत गलत है। ट्रांसजेंडर के साथ पे भी रेप होता है, और कई बार पुलिस स्टेशन पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि कुछ समय पहले हमारे कुछ ट्रांसजेंडर साथियों के घर में घुस के उनके साथ रेप किए, और जब हम पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेन किए तो पुलिस का ये कहना था कि यार ये ट्रांसजेंडर का कैसे रेप हो सकता है।
तो ये चीजें पुलिस प्रशासन को भी जानना होगा कि जिस तरीके से एक महिला का रेप हो सकता है, यहाँ तो आजकल छोटे बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, तो ट्रांसजेंडर तो बहुत दूर की बात है। भारत सरकार ने जो महिलाएं हैं उनको 33% का आरक्षण दिया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षण दी गई है, उस तरीके से ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय काफ़ी लंबे समय से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और रहा सवाल मैं महिलाओं की अगर बात करूँ, तो कई जो महिलाएं हैं आज हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री के पद में रही हैं, राष्ट्रपति के पद में रही हैं, एमपी रही हैं, विधायक रही हैं, फिर भी उनको जब आरक्षण चाहिए तो हमारा जो समुदाय है वो तो ना तो उनके पास घर है ना परिवार है। और बहुत से ऐसे ट्रांसजेंडर जब इलेक्शन फाइट करते हैं तो वो महिला कैटेगरी पे ही भरते हैं। तो मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारी रियल आइडेंटिटी के साथ में हमें जिस तरीके से हम वोट डालते हैं उस तरीके से हमें चुनाव लड़ने का अधिकार भी दिया जाए और हमारे लिए भी आरक्षण होनी चाहिए, जिससे कि हम भी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा पे अपनी सहभागिता निभाए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।